बुखार लग गया है तुमको? गाइस ये मेरी माँ है, देखिए ये इधर से पोटी करता है, ये इसका गांव में दरवाजे दरवाजे पे घूम घूम के ये खाते रहते हैं, इनका यही काम है। धूप निकल गया। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कल रात को मैं सोया नहीं, इसलिए अभी 7:45 बज गया। अभी तक मैं बिछावन पे नहीं था। युवराज ने मुझे जगाया है, युवराज ने जगाया। स्कूल जा रहे हो? हैं तैयार हो गए? हाँ जा रहे हैं। गाड़ी कितने बजे आता है? गाड़ी हाँ 9:30। 9:30 में आता है, ठीक है। अब चलते हैं, ब्रश करूँगा। हेलो गाइज, आपका स्वागत है दिल से। अपने YouTube फैमिली में आपका दिल से स्वागत है। मैंने चैनल क्रिएट किया 21 जनवरी 2021 को, ऑलमोस्ट 42 डेज हो गए। और 42 डेज में 6,500 प्लस मेरे YouTube फैमिली के सदस्य बन गए। तो मैं आप सब लोगों का दिल से सर झुका के शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है हमारे YouTube फैमिली के सब्सक्राइबर लोगों के लिए। देखिए नंदी महाराज है, शंकर भगवान का सवारी। और ये जो है ये गांव में दरवाजे दरवाजे पे घूम घूम के ये खाते रहते हैं, इनका यही काम है। देखिए ये है नंदी महाराज। हर रोज़ मैं युवराज को उठाता हूँ, आज उसने मुझे सुबह उठाया। ऑलमोस्ट 7:30-8 बजे के करीब में मैं तब तक सोया हुआ था, क्योंकि मैं रात में 4 बजे मुझे टाइम मिला सोने के लिए। 4 बजे के बाद ही मैं सो पाया, इसलिए देर तक मैं सोया रह गया। और इसका रीज़न क्या है वो मैंने अपना इमोशन आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, और आज मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, उसके थाई का बोन जो होता है वो टूट गया था, तो उसमें प्लेट लगा हुआ है। अब चल रही है, सही है, लाठी लेके चलिए। मैं अपनी माँ से मिलाता हूँ। क्या कर रही हो? बुखार लग गया है तुमको, देखें हाथ दिखाओ तो। बुखार लग गया है? दादी माँ कहाँ है? गाइस ये मेरी माँ है, देखिए ये डंडे के सहारे चल पाती है। इंसान की ज़िंदगी में कभी दुख कभी सुख आता रहता है, तो इसे घबराना नहीं चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। वो क्या बोलते हैं ना कि जीवन सुख दुख का संगम है, तो ये तो चलता रहता है। बट कोई नहीं गाइज, इन 42 डेज में जो आप लोगों से प्यार मिला, क्या कहूँ दोस्तों, दिल गदगद हो गया। जो फ्रेंड्स मेरे गांव के रहने वाले पहले बोलते थे कि तुम खाली यूट्यूब पे ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, लेकिन अब वो मेरा सब्सक्राइब देख के, मेरे यूट्यूब फैमिली का ग्रोथ देख के वो बोलते हैं कि अब तुम सक्सेस हो जाओगे। तो इसके लिए आप लोगों को दिल से बहुत 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 शुक्रिया। देखिए इतना अच्छा है। और क्या बिक रहा है भाई? क्या कर रहा है? अभी मोटरसाइकिल पर क्या है? क्या कर रहा है? सब मर गया होगा। सब जिंदा है? हाँ, कितना किलो ले लें? एक किलो ये देखो उंगली में पकड़ लिया। पकड़ने का नियम ऐसे है, इसको पकड़ोगे तो काटेगा, ऐसे नहीं काटेगा। एगो बड़का चुट ले लो।
100 रुपया। देखो ऐसे पकड़ने पे ये कटेगा और ऐसे पकड़ने पे नहीं कटेगा। हमारे बड़ी डर लगे लगती है। डर लगता है? अच्छा, इसमें ये जो रेड वाला है ये बहुत खतरनाक होता है। इसका देखो ये चोंच कितना मोटा है, सबसे तेज यही है। देखो, देखते हैं इनके चोंच में कितना पावर है। इस कपड़े को लगाएंगे और देखते हैं कि ये इसको कितने पावरफुल पकड़ते हैं। देखो ये देखो, छोड़ छोड़, मोबाइल खाएगा, खा जा, खा मोबाइल, खा 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 खा। ये देखो आपस में ही लड़ रहे हैं। देखो किसको मैं पकड़ूं, ये तो सब काटने के लिए तैयार है। छोड़ छोड़, अबे छोड़ 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 छोड़। ओह, बहुत जोर है इसके। अब मैंने इसको पकड़ लिया अच्छा से, अब इसका चोंच नहीं चलेगा। देखो इसका चोंच यहाँ पे है, मगर इसका मुंह कहाँ पे है? ये और ये दोनों आँख है। और ये क्या है? वही मुंह है। रुक जाओ, और ये क्या है? इसका पेट है। ये देखो, नहीं ये इधर से पोटी करता है ये इसका। ओ मिल गया, इसका मुंह यहाँ पे है। देखो देखो, ये है दांत और ये इसका मुंह है। ये यहाँ से ये खाना खाता है और पोटी इधर से करता है। केकड़ा खाने से सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है, केकड़े को खाने से। देखो ये केकड़े को खाने से, केकड़ा और एक झींगा मछली होता है, झींगा, ये दोनों लगभग एक ही नस्ल के होते हैं। केकड़ा मिट्टी में होता है, पानी में ये भी होता है, लेकिन ये जमीन के सतह पर होता है, मिट्टी में। और झींगा मछली जो होती है, जो जलकुंभी होता है, उसमें वो होती है। तो केकड़ा खाने से सबसे बड़ा प्रॉफिट यही होता है कि कैंसर की बीमारी नहीं होता है इससे। मैं अपनी माँ को दिन में ही हॉस्पिटल लेके गया था, और वहाँ पे मेरे पापा और मेरी बहन जब गई तो मैं फिर वापस घर पे आ गया। और घर पे आने के बाद मैं उनको बोला कि जब पानी वानी चढ़ रहा था तो मैंने उनको बोला कि जब पानी चढ़ जाएगा तो आप लोग मुझे फ़ोन कर देना, मैं फिर से वापस आऊँगा और घर पे लेके आ जाऊँगा सबको। मैं वहाँ से आ गया, मेरे पापा फ़ोन करते हैं 3 बजे। नींद किसे लगता है यार, ऐसी हालात में नींद किसे लगता है, मैं रात भर जगता ही रह गया था। 3 बजे मेरे पापा फ़ोन किए और 3 बजे मैं अकेले करेटा निकाला और चल दिया। और रास्ते में जो जो भयानक घटना हुआ, भूत लोग बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि जो चीज़ आँखें नहीं देख सकती है वो कैमरे में कैप्चर हो जाता है। मैं रात में गया और फिर मैं उधर से वापस भी आया और मैं उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, और कैमरा मैं गाड़ी के आगे डेस्कटॉप पे लगा दिया था। और जब मैं वहाँ से वापस आ गया और जब लैपटॉप में वो वीडियो मैं डाल के अब मैं देखने लगा कि वीडियो कैसा कैसा है, रास्ते में क्या क्या ये सब देख रहा था, तभी अचानक से मुझे कुछ ऐसी चीज़ों पर नज़र पड़ी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर उस टाइम अगर मैं वो चीज़ देख लिया होता तो सच में बाय गॉड मैं गाड़ी वहाँ से आगे नहीं बढ़ा सकता था। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो हॉरर वीडियो बन जाएगा और मैं वो अपलोड करूँ कि नहीं करूँ, इसी संकोच में मैं पड़ा हुआ हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या मैं वो वीडियो अपलोड करूँ या नहीं करूँ। आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर हो यूट्यूब के, आप लोग जो बोलोगे वो मैं डेफिनेटली करूँगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।